पर टच करना है, जैसे ही टच करेंगे अगर असली डायमंड होगा, हीरा होगा, तो खुद बखुद ऑटोमेटिक ये एलईडी लाइट जो है रेड पर, रेड कलर पर आ जाएंगी। इसी में वहाँ पर टच करूँगा तो आप देखिएगा क्या होता है, एक पत्थर रहेगा, कीमती पत्थर, इसे लगाकर देखते हैं इसमें क्या रीडिंग देता है। ये मैंने इसके साथ यहाँ लगा दिया है आर्टिफिशियल पत्थर है, ये आप देख रहे होंगे, इसे मैं लगाता हूँ देखें क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एएमडी पाकिस्तान, एएमडी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं वो GR100 डिटेक्टर्स की है, बिलो खौफ के नाम से ये मशीन आती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, इस तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं और आपको मुख्य चीज़ें सिखाते हैं, उसके रीडिंग लेने का तरीकाकार बताते हैं। आज जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें हम दिखाएंगे ना एक ऑप्शन होता है डायमंड या कीमती पत्थर ढूंढने का भी और चेक करने का भी। इस मशीन के जरिए आप कीमती पत्थर जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो डायमंड, गोल्ड, सिल्वर सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और अगर कहीं पर आपको कोई कीमती पत्थर मिलता है, जेम स्टोन मिलता है या डायमंड मिलता है, तो इसमें एक टेस्टर दिए हुए जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं वो चीज़ असली है नकली है, हीरा जो असली है नकली है, जो पत्थर आपको मिला है वो असली है नकली है, वो आपको करके दिखाएंगे। इसका हम देखेंगे बुक के अंदर भी, आप देखें यहाँ पर मुख्तलिफ पत्थर डायमंड वगैरह और कीमती पत्थर जेम स्टोन वगैरह यहाँ दिए हुए, तो उसको हम करके प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे भी। मशीन में रीडिंग हिस्सा लेते हैं तो सबसे पहले ये जो बटन आप देख रहे हैं, ये बटन, इसे हमने मशीन को ऑन कर लेना है। और यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने ऑन किया तो ये मल्टीपर्पज़ बटन है, का दो काम होते हैं, एक तो ये रेंज कम या ज़्यादा करने का इस्तेमाल होता है, अगर यानी जब आप रीडिंग्स लेते हैं ये इस मशीन के थ्रू ऑन करते हैं और इसके साथ पावर कटर रिसीवर दोनों को ऑन करते हैं तो ये डिवाइस, दोनों डिवाइस मिलकर काम करती हैं। इसके लिए आप सर्च करते हैं तो अभी हम सर्चिंग नहीं करवा रहे, तो फिलहाल ये डिवाइस को हमने एक साइड में रखा हुआ है, सिर्फ हमने कोई भी चीज़ हमें कीमती पत्थर या कोई चीज़ हमें ज़मीन में से मिलती है तो उसको हमने देखना है कि जनाब वो असली है नकली है, उस पत्थर के बारे में मालूम लेनी है। तो बस इसमें आप देखेंगे मतलब रीडिंग्स लिखी हुई है, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया और आगे दिया हुआ। इस वेरिएबल को जो मूव करता हूँ देखें लाइट आगे की तरफ जा रही है और ये पीछे की तरफ आ रही है। अच्छा, इसे आपने सबसे पहले क्या करना है, तकरीबन 4 और 5 के दरमियान, 5 के करीब आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। अगर आपने डायमंड या कीमती पत्थर चेक करना है तो यहाँ पर आपने एडजस्ट कर लेना है। अभी हमने ये बटन ऑन नहीं किया, स्विच को ऑन करेंगे तो ये फिर सर्चिंग के लिए सर्च करिएगा कीमती चीज़ों को, इसे हमने ऑफ किया हुआ है और सिर्फ हमने जस्ट इसको ऑन किया है। सिर्फ आपने डायमंड या कीमती पत्थर चेक करना है तो सिर्फ इसे आपने ऑन करना है स्विच को, इसे 5 के करीब लाकर आपने एडजस्ट कर लेना है। लाइट्स के नीचे देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। इसके अलावा इस साइड पर आएंगे, ये दोनों इसके एंटीने होंगे, ये लेजर लाइट से इधर आप देखेंगे कैप चढ़ा हुआ है, ये प्रॉप हैगी, ये देख लेंगे, यहाँ एंटीना 1 भी लिखा हुआ है, ये प्रॉप एंटीना 1 मल्टीपर्पज़, ये इसका काम हैगा। इस स्विच को हमने ऑन कर लिया और इस पर से हमने ये कैप उतार लेना है। अब रीडिंग किसा लेनी है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हैंगी पहले से जो आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक रिंग हैगा सोने का और इसके ऊपर 4 डायमंड लगे हुए हैं, हीरे लगे हुए हैं, तो इसको भी हम चेक करेंगे डायमंड्स को कि जनाब ये ओरिजिनल है इस पर यह नकली है असली है क्या, ये भी ये मशीन बताएगी हमें। इसके अलावा कुछ पत्थर इसके अंदर मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे नीला में मतलब पत्थर हैंगे, तो उसे किस्सा पता करते हैं वो भी आपको आइडिया देंगे उसका। तो सबसे मेन चीज़ है, सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड को, फिर डायमंड को चेक करेंगे। यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया कि जनाब इस वेरिएबल को हमने सेट करना है इसे कि 5 के करीब इस पर सेट आपने कर देना है। इसके बाद ये जो डायमंड हैगा, डायमंड को आपने ये जो पैन की तरह बॉयल पॉइंट की तरह आप नीप देख रहे हैं, इसके साथ आपने टच करना है, बारीक सी पिन आप देख रहे होंगे इस पर टच करना है। जैसे ही टच करेंगे अगर असली डायमंड होगा, हीरा होगा, तो खुद बखुद ऑटोमेटिक ये एलईडी लाइट जो है रेड पर, रेड कलर पर आ जाएंगी। आप देखिएगा जनाब ये जो डायमंड है ना, यहाँ पर एलईडी लाइट आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और जैसे मैं वहाँ पर टच करूँगा तो आप देखिएगा क्या होता है। ये मैंने टच कर दिया है, आप देखेंगे बिल्कुल रेड हो गया है, देख रहे हैं। और इस साइड पर आप देखेंगे जनाब, ये मैंने इसके साथ टच किया हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेड लाइट, और जैसे देखें मैं हटा रहा हूँ, ये मैंने हटा लिया, वो पीछे वापस रीडिंग उसी के ऊपर आ गई है। और जैसे ही मैं यहाँ पर टच करूँगा, ये देखिएगा दोबारा जैसे ही मैं टच करूँगा यहाँ पर, ये मैं टच कर रहा हूँ, ये इसे डायमंड इसके साथ मैंने लगाया, यहाँ पर रेड हो गया, और जैसे ही हटाऊँगा तो वो खुद बखुद वो पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और इस तरह आप इस चेक कर सकते हैं जनाब डायमंड को कि असली है या नकली है। अगर ये देखें, अगर ये जो है लाइट्स यहाँ पर आ कि ये लाइट्स होंगी, और जैसे आप डायमंड असली होगा तो ये आगे तक आ जाएंगे। इस तरह मुख्तलिफ फसलों की हम देख लेते हैं रीडिंग लेने का तरीका, अभी हमने इसे 5 पर सेट किया है। अब मेरे पास एक ये पत्थर है, अगर जाली पत्थर होगा, कीमती नहीं होगा, इसके साथ आप लगाएंगे
तो कोई भी यहाँ पर लाइट्स आगे नहीं बढ़ेंगी आगे की तरफ। इस पत्थर को मैं लगाकर देखता हूँ किमटी पत्थर को कि क्या रीडिंग आ रही है। देखिए 1 पॉइंट आगे बढ़ाएगा और इंच हो गया 2 पॉइंट्स इस पत्थर के ऊपर। और ये भी आप देख रहे होंगे इस पत्थर के ऊपर इधर आ गया आएगा। और इसके अलावा देखिए दोबारा उसी कंडीशन पर आ गया, ये पत्थर डालिए, ये बाबे किमटी पत्थर है, इसमें देखेंगे और काफ़ी महंगा पत्थर ही है, इसे हमें लगाऊंगा देखेंगे। जितनी ज़्यादा रीडिंग आती है उतनी कीमती चीज़ रहेगी। अब इस पत्थर को मैं इधर लगा रहा हूँ, ये देखिएगा प्रॉप के साथ ये मैं लगा रहा हूँ और ये देखेंगे जनाब इसके साथ मैंने लगाया जैसी। और यहाँ पर रीडिंग काफ़ी ज़्यादा येलो लाइट्स आगे तक चली गई हैं, काफ़ी कीमती पत्थर रहेगा। और इसकी हमने रीडिंग ली है, ये भी अच्छी चीज़ है, कीमती चीज़ है, महंगी चीज़ है। इसी तरह ये आप देखेंगे नीलम हैगा, इसको मैं लगाता हूँ, यहाँ देखें 3 पॉइंट्स आगे की तरफ जा रहा है। तो मुख्तलिफ रीडिंग हर पत्थर पर रीडिंग चेंज आएगी आपके पास, जैसे आप डालेंगे तो कम हो जाएगी। साथ कीमती पत्थर चेक करते हैं उसका तरीका क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब डायमंड का तो पता है कि वो रेट पर आ जाएगा, रेट पर आ गया तो असली डायमंड हैगा, पत्थरों का कैसे पता चलेगा उसका तरीका। अगर आपके पास नीलम है, एक असली नीलम लें आप, इसके साथ लगाएं देखिए क्या रीडिंग आ रही है। सपोज करें वो 8 पर आ रही है, सही है ना। फिर जो पत्थर आपको मिले वो नीलम का पत्थर होगा, दोबारा यहाँ पर भी लगाएंगे जो आपको मिलेंगे ज़मीन के अंदर खुदाई के दौरान, वो 8 पर रीडिंग आएगी। आपके पास सपोज करें सफ़ेद आएगा, उसकी रीडिंग आ रही है 9 के ऊपर, सही है। असली आपने लगाया यहाँ पर 9 पर आ रही है, और जो आपको पत्थर मिलेंगे उसको लगाएंगे तो उसकी भी 9 पर आनी चाहिए। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जरिए कि जो पत्थर है वो असली है या नकली है, काम का या नहीं है। अगर वो बेकार पत्थर होगा, मिसाल के आर्टिफिशियल पत्थर है, ये आप देख रहे होंगे, इसे मैं लगाता हूँ देखें क्या होगा। यहाँ पर लाइट जल लिएगी। अभी इस पत्थर को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल है, जैसे नकली पत्थर देगा। ये देखिए ये पत्थर मैंने इसके साथ यहाँ लगा दिएगा और जैसे ही लगाए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं आर्टिफिशियल है, कोई रिजल्ट नहीं बता रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये नकली हैगा। इसका मालूम कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अरे मतलब बरकात हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।